ठीक होंगे। तो वेलकम टू दी राय व्लॉग्स, और आज का सफर अपना होने वाला है मनी महेश बाबा का, मनी महेश कैलाश जी का। तो चलते हैं, अभी हम थे अपना पठानकोट में, पठानकोट से चंबा की तरफ चलते हैं, आज वहाँ पे स्टे लेंगे, उसके बाद आगे का सफर चालू करेंगे। बाबा से प्यार करने चलते हैं बाबा की दुनिया में, मनी महेश जी। और आज यहाँ पीछे का नज़ारा देखिए, क्या प्यारा नज़ारा होता है। चलते हैं साथ मिलकर, सफर करते हैं बाबा की दुनिया का। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ महादेव की दुनिया में, महादेव की सबसे प्यारी यात्रा पर, कैलाश यात्रा पर। मनी महेश कैलाश यात्रा के लिए आपको दिल्ली से ट्रेन या बस दोनों चीज़ मिल जाती हैं, जिससे आप ट्रेन या बस लेकर पठानकोट आ जाओ, जिसका किराया 700 से 800 रुपये होने वाला है। फिर पठानकोट से आपको चंबा के लिए बस लेनी होती है, जिसका किराया 200 से 250 रुपये होने वाला है। फिर आप चंबा से 3 घंटे की यात्रा करके भरमौर के लिए निकल जाओ, जिसका किराया 100 से 150 रुपये होने वाला है। फिर भरमौर में भरवानी माता के दर्शन करके फिर निकल जाओ हरसर की ओर, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट यात्रा का शुरू होता है। तो चलिए आपको भोलेनाथ की कैलाश यात्रा के दर्शन करवाने लेकर चलता हूँ, आप और हम मिलकर महादेव की इस यात्रा को सफल बनाते हैं। इस वीडियो को, इस वर्चुअल यात्रा को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं इस यात्रा के बारे में सबसे आसान तरीके बताने वाला हूँ, फ्री फूड, फ्री रहना, एक एक छोटी छोटी डिटेल देने वाला हूँ। तो बने रहें सफर में, चलते हैं हर हर महादेव। तो दोस्तों ये नज़ारा देखिए, क्या प्यारा नज़ारा है यार, देख रहे हैं आप लोग। और अपने साथ आज जाने वाले हैं भाई हर्ष भाई, जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं मनी महेश यात्रा में। तो चलते हैं आगे की तरफ, और ये नज़ारा देखो यार, बाबा की दुनिया में। और पता है क्या, आज अपना जो स्वागत हुआ बारिश से ही, हर बार जब भी बाबा की दुनिया में हम जाते हैं, महादेव से प्यार करने जब भी निकलते हैं, अपना बारिश से स्वागत होता है, अलग ही बाबा अलग ही हमारे वो करते हैं स्वागत। यार चलते हैं बाबा से मिलने, प्यार करते हैं आप और हम साथ मिलकर, हर हर महादेव। तो जी अभी बज रहे हैं 7:30, और अभी हम पहुँच चुके हैं चंबा, और मेरे को ना सामने ना मिठाई की दुकानें दिख रही हैं। चलते हैं यार, जलेबी होते हैं तो जलेबी खाते हैं। देखो आपको दिखाऊँ वो री, देखते हैं जलेबी मिलती है इनके पास तो जलेबी खाते हैं चल के। तो जी ये री जलेबी, अभी अपने जलेबी आ रही हैं, खाते हैं जलेबी फिर आगे की तरफ चलते हैं। पता है यहाँ पे रसगुल्ले नहीं है, और मेरे को रसगुल्ले वहाँ पे दिख रहे हैं, तो जलेबी खा के चलते हैं रसगुल्ले खाने। तो अभी हम चंबा पहुँच चुके हैं, अभी एटीएम की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से 3-4 किलोमीटर का एटीएम का रास्ता है, और अभी अंधेरा हो चुका है, कुछ ऐसा रास्ता है। तो एटीएम तक चलते हैं, पैसे निकालते हैं, पैसे ख़त्म हो गए, पैसे बहुत ज़रूरी है यार, हर सफ़र में पैसे ज़रूरी हैं, हर चीज़ में। तो अभी पैसे निकालते हैं थोड़े से, और हम सोच रहे हैं आज लंगर देखें, अगर लंगर मिल जाता है लंगर में रुकते हैं, नहीं तो अपना कैंप लगाते हैं। अगर कैंप भी नहीं रुक पाया, मतलब लग पाया, जगह नहीं मिली, तो फिर हम कोई रूम ढूंढेंगे, रूम में रुकेंगे, फिर अपनी आगे की यात्रा कल सुबह चालू करते हैं। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये भी है कि हम बस में बैठ के भरमौर अभी निकल जाएं रात में, पर रात में मेरे को सेफ नहीं लगता, तो मैं सोच रहा हूँ सुबह ही चलते हैं महादेव से मिलने, महादेव की यात्रा सुबह ही स्टार्ट करते हैं आगे की। तो जी अभी 4 किलोमीटर चल के हम आ चुके हैं शनिदेव बाबा के मंदिर पे, जहाँ पे लंगर लगा हुआ है, अभी यहाँ पे रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, सुबह अपनी मनी महेश जी की यात्रा चालू करते हैं, महादेव से प्यार करने सुबह निकलते हैं, अभी रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, फिर महादेव से प्यार करने सुबह निकलते हैं आगे की तरफ, अपनी यात्रा चालू करते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव दोस्तों। तो सुबह सुबह हम निकल चुके हैं अपनी मनी महेश की यात्रा की ओर, अभी हमने लंगर से अपना सामान उठाया और प्रसाद ग्रहण करा, अभी चलते हैं मनी महेश की यात्रा की ओर, भरमौर की ओर, भरमौर में भरवानी माता मंदिर के दर्शन करके फिर अपनी आगे की यात्रा चालू करते हैं, हर हर महादेव। भरमौर पहुंचकर हम निकल गए 84 मंदिर के दर्शन करने। इस मंदिर को मोक्ष के देवता का मंदिर भी कहा जाता है, और यहाँ आज भी यमराज की कचहरी लगती है, और आज भी यहाँ कर्मों का हिसाब होता है। कहा जाता है जो जीते जी यहाँ नहीं आ पाता, वो मरने के बाद यहाँ ज़रूर आता है, और यहीं पर पाप और पुण्य का फैसला होता है, यहीं से स्वर्ग और नर्क में भेजा जाता है, हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भरमौर, हमने अभी 84 मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद हम जाने वाले हैं भरवानी माता मंदिर, जो कि उस चोटी के पार हैं दोस्ती, यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, अभी ट्रैक करके हम जाने वाले ऊपर की तरफ माता के दर्शन करने, उसके बाद अपनी मनी महेश जी की यात्रा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि माता के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं अगर आप मनी महेश यात्रा पर जा रहे हैं। अभी चलते हैं, अभी हम सेबों के बगीचे से होके जा रहे हैं भरवानी माता मंदिर, ये देखिए कितने सारे सेब लगे हुए हैं यहाँ पे। तो जी भरवानी माता मंदिर का रास्ता मुखोता गांव की गलियों से होके जाता है, कुछ ऐसी गली है जिनसे रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, अपनी माँ है, चलते हैं देवी माँ से मिलने। भरवानी माता मंदिर का रास्ता थोड़ा ऐसा है तुंगनाथ जैसा, बिल्कुल जैसे तुंगनाथ का आपने ट्रैक करा हुआ, तुंगनाथ जैसा रास्ता है ये, आप देख सकते हैं ट्रैक पूरा ऐसा जा रहा है तुंगनाथ की तरह,
और मतलब यहाँ की जो मतलब वैली है ये इवी तुंगनाथ की तरह ही लग रही है मेरे को थोड़ी थोड़ी। अभी चलते हैं माता के मंदिर की तरफ, आगे की तरफ। भरमानी माता मंदिर के लिए या तो आप टैक्सी कर सकते हैं या 3 किलोमीटर का बहुत ही प्यारा सा ट्रैक करके भी जा सकते हैं, जिसमें आपको रियल नेचर ब्यूटी फील करने को मिलेगी। भरमानी माता मंदिर ब्रह्मा जी की पुत्री भरमानी माता के नाम पर बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि माँ भरमानी भरमौड़ के 84 मंदिर में रहती थी। एक बार स्वयं महादेव अपने 84 सिद्धों के साथ यहाँ एक रात बिताने आए, और जब माँ भरमानी भ्रमण करके आई तो उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आया। फिर ये सब देखकर वहाँ स्वयं महादेव प्रकट हुए और कहा, माँ चिंता मत करो, ये लोग सिर्फ एक रात के लिए यहाँ रुकेंगे। और फिर जब सुबह हुई वो सिर्फ 84 शिवलिंग में वहाँ स्थापित हो गए। और माता को फिर गुस्सा आया और महादेव फिर प्रकट हुए और कहा, माँ अब आप किसी और स्थान पर चले जाओ, यहाँ आप सिद्धों का वास हो गया है। और उसके बाद फिर माता ने इस स्थान पर आकर अपना वास किया, जहाँ से भरमौर नहीं दिखता और 84 टेम्पल भी नहीं दिखता। जय माता भरमानी। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय कहा जाता है कि मणिमहेश महादेव जी के दर्शन से पहले माँ ब्रह्मानी जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है और उनके इस कुंड में स्नान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते हैं, हर हर महादेव। ब्रह्मानी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल गए हरसर की ओर, जिसका सफ़र 12 किलोमीटर का है और 30 से 40 मिनट लगने वाले थे। अगर आप टैक्सी या बस से यात्रा करते हैं तो आपका किराया 50 रुपये लगने वाला है, यही यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। हर हर महादेव दोस्तों, तो अपना मणिमहेश का रास्ता एक इस रास्ते से जा रहा है और शॉर्टकट वाला इस रास्ते से। आप दोनों रास्ते से जा सकते हैं, पर बेटर वाला रास्ता यही वाला है जो अपना ऑफिशियली रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हम थोड़ा इस रास्ते से शॉर्टकट से जाने वाले हैं। अभी चलते हैं बाबा से मिलने, बाबा से प्यार करने। हर हर महादेव। जहाँ आज के टाइम में लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते और कुछ यात्रा को नहीं कर पाते, वहाँ महादेव के दीवाने 4 कुंटल का शिवलिंग लेके मणिमहेश यात्रा करने वाले थे। ये महादेव का प्यार और महादेव का आशीर्वाद ही है। हर हर महादेव। सबसे पहले हमने मणिमहेश यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट पे अपना पंजीकरण करवाया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर निकल चुके हैं महादेव से प्यार करने, महादेव की यात्रा पर, महादेव से मिलने। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, तो अभी हमने मणिमहेश कैलाश यात्रा शुरू कर दी है अपनी। अगर आप ऑफिशियल टाइम में आते तो आपको जगह जगह लंगर भंडारे देखने को मिल जाएंगे, तो खाने और रहने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप ऑफिशियल टाइम में आते हैं। अभी हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर चलते हैं ऊपर की तरफ, बाबा से मिलने चलते हैं, बाबा से प्यार करने। आज आपको भी कैलाश यात्रा पर लेके चलते हैं अपने साथ, बाबा से प्यार करने। हर हर महादेव। ओ भोले बाबा जी, दर तेरे मैं आया जी, खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो ए, ओ काले आशर पाड़ा मेरा भोले बाबा, मानी महेशा बसदा। ओ भोले ओ जी, चलते हैं हर हर महादेव। तो जी, ये वाला जो पैच है ना अपना, बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है। आप देख रहे हैं बिल्कुल कच्ची मिट्टी, अगर फिसली तो सीधे लैंडस्लाइड, पत्थर भी बड़े बड़े हैं कच्ची मिट्टी के बीच में। तो यहाँ से अगर आप आते हैं तो बहुत जल्दी निकले, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। हम भी जल्दी चलते हैं यहाँ से, जल्दी पार करते हैं, अपनी आगे की यात्रा की तरफ चलते हैं, क्योंकि रास्ते पर अगर जरा से पत्थर गिरा लैंडस्लाइड होनी चालू हो जाती है, और ज़्यादातर यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, आप देख सकते हैं। चलते हैं अभी बाबा से मिलने, बाबा से प्यार करने ऊपर की तरफ। दोस्तों, कोई भी यात्रा हो, आजकल जानवरों के साथ गलत काम हो रहा है। देख रहे हैं आप, एक घोड़ा मरा पड़ा है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया है, मतलब सड़ने के लिए, और सड़ रहा है, बदबू आ रही है इसमें से। ये आप मणिमहेश यात्रा का देख रहे हैं, और ऐसा ना अपना केदारनाथ पे भी होता रहता है। एक घोड़े वाले मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना इन्हें दफनाते हैं ना जलाते हैं, ऐसे सड़ने को छोड़ देते हैं, और ये सड़ सड़ के मर जाते हैं। जब तक जिंदा रहते हैं जब तक तो पैसा उठाते हैं, खूब फायदा लिया जाता है, और अब देखिए ऐसे सड़ रहा है ये। तो जी, इस रास्ते पर जो भी मिल रहा है हमें, इस रास्ते पर जाने को मना कर रहा है, बोल रहा है कि कठिन रास्ता और ख़तरनाक भी, पर उन्हें क्या पता हम भोले बाबा से ऐसे ही प्यार करते हैं। हम ऐसी कठिन रास्तों से यात्रा करना पसंद करते हैं, भोले बाबा से प्यार ऐसे ही होता है। तो चलते हैं हर हर महादेव। I'm
तो जी अभी रास्ता कुछ ऐसा आ चुका है, हमें ये नदी पार करके जाना है, उधर की तरफ से ऐसे रास्ता पार करके उधर की तरफ ऊपर की तरफ निकलना है। अभी चलते हैं, जूते उतारते हैं, इस पानी में से निकलेंगे। बहुत ठंडा पानी है पर मजा आएगा, बाबा से मिलने का यही आनंद होता है। चलते हैं बाबा के पास, हर हर महादेव। तो जी अभी हमें इस रास्ते से होके यहाँ से नदी पार करके दोबारा वहाँ ऊपर आपको दिखने होंगे कैंप टेंट से, वहाँ तक पहुँचना, फिर उसका आगे का ट्रैक वहाँ से चालू होगा। चलते हैं हर हर महादेव। थोड़ी ना यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाती है, पता है कितने से, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, 90-80 डिग्री खड़ी चढ़ाई आती है, तो पानी वानी पीते चले। हम भी जी इसी नदी से पानी भर रहे हैं, इसे अपना मनी महेश नदी कहा जाता है। चलते हैं ऊपर की तरफ बाबा के पास, वहाँ पे सर रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है जी, देख सकते हैं बड़ा खतरनाक रास्ता है वाला। ये देखिए जी, बोले बाबा की शक्ति और भक्ति। बाबा की उम्र 60+ होगी, 60+ या 70+, और देखिए बाबा मनी महेश यात्रा करके आ रहे हैं ऊपर से वहाँ से। बाबा देखिए कितनी शक्ति है बाबा की, भोलेनाथ की शक्ति है भगवान जी की, देख रहे हैं। यही कृपा होती है भगवान की, और यही शक्ति होती है, यही भक्ति होती है। चलते हैं अभी हम भी हर हर महादेव। सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय। तो जी रास्ते में ये पुल पड़ता है, इसे बहुत जल्दी पार करें, बहुत खतरनाक है। इस पे 5% एक बार में जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, पर इस पे बहुत सारी भीड़ जा रही है, तो ये रास्ता बहुत खतरनाक है ये वाला पुल जो है, तो जल्दी जल्दी पार करें। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ इस रास्ते की ओर, महादेव से मिलने ऊपर की तरफ, हर हर महादेव। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबका। तो जी अभी बारिश आनी चालू हो चुकी है, हम इसको पार करके दंचो की तरफ जाएंगे, 3 किलोमीटर का रास्ता रह रहा है दंचो का। अभी चलते हैं, हल्की हल्की बारिश आ रही है, और इस बार पता है अपने पास रेनकोट भी नहीं है, तो बाबा की बारिश में भीगते हुए चलेंगे, बाबा के प्रेम में भीगते हुए चलते हैं बाबा के पास, हर हर महादेव। तो जी ये धनचो, यहाँ पे आपको रहने और खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, जो दुकान वाले हैं 100 रुपये लेते हैं मतलब आपका रुकने के लिए और खाने पीने का, आप देख सकते हैं जो भी अपना हिसाब हो। और ये रास्ता जा रहा है इधर से, ये वाला पुल की तरफ से होके ऊपर की तरफ, ये पूरा धनचो है। अब आगे की तरफ चलते हैं, हर हर महादेव। तो जी इस पुल से दो रास्ते कट रहे हैं, एक तो इधर की तरफ ये जा रहा है आपका गौरीकुंड होके ऐसे ऊपर की तरफ से ये, और इधर होके ऐसे, और ये जा रहा है एक अपना झरना मार्ग, फवारा मार्ग से लिखा हुआ है वो सामने आप देख रहे होंगे, झरना उधर की तरफ जा रहा है। हम तो इधर से जाने वाले हैं, थोड़ा उधर से कट मार लेंगे हम ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें कठिन रास्ते बहुत प्यारे हैं लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं ये रास्ते यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को, इस वजह से मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। तो चलते हैं, हर हर महादेव। तो जी पुल के बाद एक रास्ता अपना इधर से जा रहा है, जो नॉर्मल वाला रास्ता जा रहा है, मतलब ऐसे वाला पैच जो आसान रास्ता जा रहा है, और एक ये जा रहा है शॉर्टकट, जो कि चढ़ाई जा रही है बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई। तो हम जाने वाले हैं इस वाले रास्ते से, क्योंकि हमें ये वाला रास्ता बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। चलते हैं अभी महादेव से मिलने, महादेव से प्यार करने ऊपर की तरफ। अभी सोच रहे गौरीकुंड पहुँचे, पहले 4 किलोमीटर अभी यहाँ से गौरीकुंड रह रहा है, तो गौरीकुंड की तरफ चलते हैं अभी। उसके आगे शायद शिपकुंड पड़ेगा, 2 किलोमीटर आगे 6 किलोमीटर का शिपकुंड का रास्ता है, तो अभी पहले गौरीकुंड तय करते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद तय करेंगे कि शिवकुंड आज निकले या कल, वैसे इरादा आज का ही है, वहां पे चल के कैंपिंग करेंगे। पहुंचते हैं ऊपर की तरफ बाबा के पास, हर हर महादेव। जब भी आप मनी महेश यात्रा भैरव घाटी के रास्ते से करते हैं, तो बीच में एक जगह पड़ती है जिसे शिव घराट कहा जाता है। कहा जाता है यहाँ पे आज भी शिव की चक्कियों की चलने की आवाज़ आती है, और आप कान लगा के यहाँ पे सुनेंगे तो आपको हजारों चक्कियों की एक साथ चलने की आवाज़ आएगी, जिन्हें भगवान शिव की चक्कियाँ कहा जाता है, इसलिए इस जगह का नाम शिव घराट कहा गया है।
महादेव की इस प्यारी सी यात्रा का मौसम देखिए, क्या प्यारा मौसम हो रहा है, क्या दीवाना मौसम हो रहा है। अभी चलते हैं आगे की तरफ। हम थोड़ा तीसरे रास्ते पे आ गए थे, एक रास्ता ऊपर की तरफ से जा रहा है इधर की तरफ से, और एक रास्ता उधर से जा रहा है, पर हम इधर के रास्ते से आ गए थे, नीचे की तरफ से जा रहा है ये रास्ता। पर ये रास्ता थोड़ा मतलब अकेलेपन में जा रहा है, मतलब शांति में जा रहा है, तो इस वजह से मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। और मेरे साथ ये भाई जा रहे हैं जो आगे चल रहे हैं। पहुँचते हैं इस रास्ते से पार्वती कुंड, क्योंकि अकेला मतलब शांति में जा रहा था ये रास्ता, इस वजह से मेरे को बहुत प्यारा लगा, तो मैं इस रास्ते पे आ चुका हूँ। चलते हैं अभी ऊपर की तरफ बाबा से मिलने। पार्वती कुंड पहुँचेंगे, वहाँ पर कैंपिंग करेंगे आज, अगर थोड़ा मन करा तो ऊपर ही पहुँच जाएंगे बिल्कुल बाबा के पास। चलते हैं। तो जी अभी हो रहे हैं 7:30। हर्ष और मैं रास्ता भटक चुके हैं, हर्ष अलग जा चुका है, मैं अलग रास्ते पे आ चुका हूँ। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा हर्ष नीचे वाले रास्ते पे या ऊपर पहुँच चुका है, पर मैं अभी गौरीकुंड जा रहा हूँ, गौरीकुंड जाके ही रुकूंगा। मैंने बोला है कि मतलब गौरीकुंड पहुँचते हैं, गौरीकुंड ही रुकते हैं। अब देखते हैं वो गौरीकुंड में मिलता है या नहीं, फिर नहीं तो मेरे को, क्योंकि टेंट भी उसके पास है यार, टेंट भी नहीं लगा सकते क्योंकि फिर मेरे को कोई कमरा वमरा मतलब वहाँ पे स्टे देखना पड़ेगा। चलते हैं अभी गौरीकुंड की तरफ, ऊपर की तरफ अपना गौरीकुंड है जहाँ वो लाइट चल रही है ऊपर की तरफ, उसे पार करके। तो जी अभी गौरीकुंड का रास्ता 1 किलोमीटर का रहेगा, ऊपर की तरफ जो लाइटें चल रही हैं। फिर बस मुझे हर्ष की चिंता हो रही है, हर्ष नीचे ना रुक जाए, कभी मेरा इंतजार करता रहे कि वो आएगा, पर फिर मैं सोच रहा हूँ ऊपर ही पहुँच जाए कैसी, गौरीकुंड में ही मिले हम, क्योंकि मैं भी गौरीकुंड ही जा रहा हूँ, बस वो नीचे ना रुक जाए, थोड़ी उसकी चिंता सी हो रही है। अभी पहुँचते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि उसका आधा सामान मेरे पास है, मेरा आधा सामान उसके पास है। चलते हैं अभी ऊपर की तरफ, हर हर महादेव। तो जी अभी गौरीकुंड पहुँच चुके हैं, अभी देखते हैं हर्ष कहाँ पर, हर्ष को ढूंढते हैं, थोड़ा बहुत मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं थोड़ा विश्राम करते हैं यहीं पर। मेरे को लग रहा है वो नीचे ही रह गया है, पर मिल जाए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके पास टेंट है, हम फिर अपना टेंट लगा लेंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अभी देखते हैं हर्ष को मिल जाता है कि नहीं। अभी यहाँ पर मेरे को किसी ने बताया फ़ोन बूथ है, यहाँ पर कॉलिंग हो जाती है, तो मैं उसको कॉल करके देखता हूँ, अगर बात हो जाती है वो पता पड़ जाए कहाँ पर है, तो देखते हैं। अभी आगे की तरफ आप देख रहे होंगे वहाँ पर जा रहा है वो आपका शिवकुंड की तरफ का रास्ता। अभी चलते हैं, अभी थोड़ा देखते हैं कहाँ कहाँ क्या रखना है, पहले हर्ष को ढूंढते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ निकलेंगे। हर हर महादेव। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय योगेश्वराय महादेवाय हर हर महादेव। दोस्तों तो अभी हर्ष आ चुका है रात भर इंतजार करने के बाद। हर्ष भाई कहाँ रह गए थे आप रात में? तेरा वेट कर रहा था कुत्ते, तो 15 मिनट पीछे चला हुआ था हमें, अभी आता है भाई। मेरे को लगा कि आप ऊपर पहुंच गए, मेरे को लगा कि तुम पॉइंट आया ना मुड़ने वाला, मेरे को लगा आप ऊपर की तरफ निकल गए। समराना 5 बजे समराना बोल रहा अपने गांव का नाम, मैं कौन सा आया था वो जो भी आया था संद्रासी, मैं वहाँ 5:30 से वेट कर रहा हूँ, बंदा आता है बंदा आया नहीं, फिर रात पड़ गई, फिर मैं और ऊपर आया। क्या हुआ ये बहुत तेज चल रहा था, मेरे को लगा ये आगे निकल गया वो शिवकुंड ना पहुंच गया पार्वती कुंड ना, मेरे को लगा तो मैं पार्वती कुंड पे आकर रुक गया रात भर, मैं यहीं पे रहा भैया के पास, और अभी ये अब आया ये। सुनो मेरे को लगा ये बहुत स्लो चल रहा था, तो ये पीछे होगा, स्लो चल रहा था, पर देख मैं तेरे से पहले पहुंच गया भाई, मान मैं तो और पता है सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को क्या लग रही थी, इसके पास जैकेट भी नहीं है, सीधा मतलब टी शर्ट में था बिल्कुल। मजा आया बंदरगाटी से आया, मजा आया, बारिश में ठंड थी कि नहीं, हाथ सुनते बाकी ठीक था। पता क्या भैया बार बार डरा रहे थे बर्फ पड़ने वाली है, बर्फ पड़ने वाली है, मेरे को और लग रहा पहाड़ी पे बर्फ पड़ी है, पता है भैया बार बार डरा रहे थे बर्फ पड़ने वाली, तो मेरे को ज्यादा डर लग रहा था। इसके पास जैकेट ही नहीं, कुछ भी नहीं, गरम सारे कपड़े मेरे पास, खाने पीने का सामान इसके पास, चार्जर वार्जर सब इसके पास। तो अभी आ चुका है, अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, अभी 12 बज रहे हैं कुछ, अभी ऊपर की तरफ चलते हैं, फिर ऊपर ही कैंप लगाएंगे आज, 2-3 दिन ऊपर रुकेंगे, मस्त मणि महेश जी के दर्शन करेंगे। चलते हैं बाबा के पास प्यार करने, हर हर महादेव। तो जी वो नीचे वाला जो था वो गौरीकुंड था अपना, अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं शिवकुंड की तरफ, पूरा ऊपर की तरफ पहुँचते ऊपर की तरफ, वहीं पे कैंपिंग करेंगे, नज़ारा देखिए आसपास का, हो रहे हमारे महादेव। चलते हैं ऊपर की तरफ, हर हर महादेव। सदा शिवाय सर्वेश्वराय सदा शिवाय सर्वेश्वराय सदा शिवाय।
हर महादेव दोस्तों। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शिवकुंड, तो अभी हम यहाँ पे अपना कैंप लगाने वाले हैं, देख रहे हैं अभी कैंप फिट करेंगे। यहाँ से बहुत ही प्यारा नजारा आता है अपने बाबा जी का और शिवकुंड का। अभी यहाँ पे कैंपिंग करते हैं और रुकते हैं, आपको प्यारे प्यारे नजारे दिखाएंगे, बाबा जी से मिलवाएंगे, बाबा जी से प्यार करेंगे साथ मिलके। हर हर महादेव। महादेव जी। तो अभी अपना कैंप इंस्टॉल हो चुका है, ये देखिए व्यू, देखिए कैंप के सामने का, ये रहा अपना शिवकुंड और वो रहे अपने बाबा। अरे महादेव, महादेव प्यार करने आ चुके हैं आपसे, बिल्कुल आपके सामने रुकेंगे, आपके नीचे ही आपके दर्शन करेंगे। महादेव तो बस दर्शन दे दो अपने, और कुछ नहीं। ये रहा अपना शिवकुंड और नजारा देखिए यार, क्या ही प्यारा नजारा है, क्या ही प्यारा व्यू हो रहा है। अभी ये रहा अपना कैंप, अभी रखते हैं, यहाँ पे ही रुकेंगे पूरी 2-3 दिन, अभी यहीं पे रुकेंगे हम, यहीं पे रुकने वाले हैं, यहीं पे अपना सामान रखेंगे, अभी यहीं पे रुकेंगे रात वाले यहीं पे। और अपना संजू भैया का लंगर जो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी, अभी नीचे की तरफ चलते हैं। भाई नज़ारा ना देखने लायक है, महादेव की दुनिया बहुत ही प्यारी है, देख रहे हैं यार क्या ही दुनिया है ये। तो इसी बात पे ओम नमः पार्वती पिता हर हर महादेव। तो जी हर हर महादेव, ये है अपना शिवकुंड और ये वरे अपने बाबा। कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सोहने लग रहे हैं यार। ये देखिए बाबा की आकृतियाँ बनी हुई हैं इस दीवार पे, और वरे अपने बाबा वहीं से दिखते हैं बाबा। अभी दर्शन देंगे, जब देंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे, बाबा से ज़रूर मिलवाएंगे। लोग बता रहे हैं आज भी दर्शन दिए थे सुबह, हम थोड़ा लेट हो गए, पर अब दोबारा दर्शन देंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर मिलवाएंगे। वो देख रहे हैं वही अपने बाबा। महादेव महादेव सुन लो सबकी, सबकी मनोकामना पूरी करो, सबके सपने पूरे कर दो बाबा। चलो आपको दर्शन कराते हैं आके शिवकुंड की। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय तस्मै नकराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो जी अभी शिवकुंड से बाबा जी के दर्शन होने वाले हैं, वो वाला बादल जाती बाबा जी के थोड़े दर्शन होने वाले, लगता है हो जाएंगे दर्शन बाबा जी के, देखते हैं क्या होता है। बाबा जी दर्शन देते हैं, देखते हैं, देख रहे हैं, बस ये वाला बादल निकलते ही मौसम साफ हो जाना है शायद, क्योंकि आसपास कोई बादल नहीं दिख रहा उधर की तरफ। आ जाओ बाबा जी, जय शंकर। हल्के हल्के तो दिखने चालू हो गए ना, बस 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 थोड़ा सा और। बोला ओम नमः पार्वती पिता हर हर महादेव।
तो जी अभी पूरा मौसम साफ हो चुका है, ऊपर वाला बादल बस जाने वाला है। देख रहे हैं आप लोग, बाबा जी आ चुके हैं, वो देखिए बस दर्शन हो गए। बड़े सौभाग्य वाले होते हैं जिन्हें दर्शन होते हैं। देख रहे हैं, हर हर महादेव, बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले। देख रहे हैं बाबा जी, सबके सपने पूरे करो बाबा जी, सबके, सबको भर दो बाबा जी, जो सपने हैं सबके पूरे कर दो। और क्या चाहिए आपसे, महादेव सबकी सुनो, हर हर महादेव। देख रहे हैं मौसम पूरा साफ हो चुका है, आसपास देखिए कितने बादल हैं, पर बाबा जी ने दर्शन दे दिए। हर हर महादेव, बड़े बड़ी प्यारी बात है यार। देख रहे हैं प्यार होने लगा है यार इस जगह से, प्यार ही करने आए थे, प्यार हो ही गया। ये देखिए लोग एक नजर टिकाए बाबा जी को देख रहे हैं, बाबा जी दर्शन दे रहे हैं, बादल साफ कर रहे हैं, मौसम साफ कर रहे हैं बाबा जी ने। महादेव बहुत प्यारी चीज है यार, बहुत ही प्यारी। देख रहे हैं बस बोलो बाबा, हर चीज पूरी करते हैं, हर चीज बस बोलने की देरी है बाबा से। वो देखिए आप भी बोलो, बोलो, बोलो। वो देखिए बाबा जी के दर्शन होने वाले हैं, पूरा साफ हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है मौसम। यही नजारा, यही चीज चाहिए थी, बाबा के दर्शन ही चाहिए थे, बाबा का आशीर्वाद चाहिए था, अब बाबा ने दे दिया। और ये रहा शिवकुंड, हम शिवकुंड से नजारे देख रहे हैं, बाबा जी के दर्शन ले रहे हैं, बाबा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। बोले हर हर महादेव, बोले 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 बोले, ओ मेरे बाबा जी दर तेरे में आया जी, काले झोले लाया जी, खाले झोले भर दो बाबा जी, बस कर दो अब तो कुछ कमाल, दर्शन दे दो अब तो, बहुत टाइम हो गया। वैसे आपने बस बोलने की देरी होती है, आप सब सुनते हो, आप सब सुनते हो, मेरे को पता है। मैंने जब भी बोला है आपसे बाबा केदार बुला लो, कैलाश बुला लो, आपने तुरंत बुला लिया। देखो आप कैलाश के दर्शन कर रहे हैं, अभी तो बहुत दर्शन करने हैं हमने साथ मिलकर, तो बने रहना साथ, बहुत साथ देना है आपने, अभी बहुत जगह जाना है बाबा जी के, बहुत दर्शन करने हैं बाबा जी का, आशीर्वाद लेना है बहुत। मिलेंगे फिर कभी और किसी नए सफर पर, चलते हैं आगे की यात्रा चालू करते हैं। बाबा जी के दर्शन हो गए, आपको रात को मणि के दर्शन भी कराते हैं, मणि महेश जी के दर्शन जो होते हैं रात को, क्योंकि लोग बता रहे थे वो दर्शन रात को ही होते हैं, अभी बाबा जी के दर्शन हुए हैं। हर हर महादेव जी, ऊपर की तरफ हमारा टेंट लगा हुआ है, आज हम यहीं पर रुकेंगे क्योंकि हमें स्नान करना है, थोड़ी सी धूप निकल जाए क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, हम स्नान करके फिर चलेंगे कमल कुंड की तरफ। कमल कुंड है उस रास्ते से जा रहा है, वहाँ से रास्ता कमल कुंड का ऊपर की तरफ, वहाँ पर चलेंगे कमल कुंड में, बताते हैं सारे देवी देवता मतलब स्नान करने आते हैं, यहाँ पे शिव जी स्नान करने आते थे। चलते हैं अभी ऊपर की तरफ महादेव से, और प्यार करने चलेंगे अभी ऊपर की तरफ। हर हर महादेव। तो देखिए जी अभी बाबा के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोले बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम महादेव, हर हर महादेव। कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, देख रहे हो ये नजारा दोबारा नहीं मिलने वाला, और हर किसी का तो मिलता ही नहीं है। हर हर महादेव, ये जिंदगी चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए बाबा जी। और आप, और आप, लव यू महादेव, लव यू, लव यू महादेव। तो ये देखिए जी गोल्डन कैलाश, बहुत किस्मत वालों को दर्शन होते हैं गोल्डन कैलाश के, देख रहे हैं धीरे धीरे सारे दर्शन दे रहे हैं बाबा जी। अरे महादेव, ये देखिए जी नजारा बाबा के दर्शन का, और अरे बाबा आपको उसमें बीच में लाइन दिख रही होगी, वो जो लाइन दिख रही है नीचे वाली, बताते हैं कि ये रावण ने ये पूरा मतलब पर्वत उठा दिया था, तो उसकी लाइन है ये, बिल्कुल अलग है। और ऐसी कहीं लाइन नहीं, किसी पर्वत पे नहीं है, बस इसी पे है, मतलब बिल्कुल अलग सी, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ से हटा दिया गया हो कहीं। तो देख रहे हैं गोल्डन महादेव, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए महादेव के, ऐसे दर्शन होना किस्मत वाली बात है। हर महादेव, लगी मेरी प्रीत मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत मेरे शंकरा, नाचो सारा बंसन।
यार एक बात तो है, महादेव की दुनिया में कैलाश ऊपर जब भी देखो अलग ही रूप देखने को मिलता है। अब आप देखिए कैसा, मतलब पूरी बर्फ आ चुकी है यहाँ पे, और कल यहाँ पे भी बर्फ नहीं थी, यहाँ पे भी बर्फ आ चुकी है। देख रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं थी देखने पे, यहाँ भी बर्फ आ चुकी है, और ऊपर देखिए बिल्कुल अपने पास ही यहाँ पे बर्फ पड़नी चालू हो चुकी है। और पता है कल ना शिवकुंड का जो पानी का लेवल था वो बढ़ने लगा था, और अब बिल्कुल कम हो गया, आप देखेंगे बिल्कुल कम। यही तो महादेव की दुनिया है प्रकृति। और सबसे बड़ी बात, इसमें कुंड में पानी कहीं से भी नहीं आ रहा, कहीं से भी रास्ता, मतलब कहीं से भी पानी आने की वो नहीं है, मतलब ना झरना आ रहा ना कुछ आ रहा, और फिर भी ये भर जाता है और कम हो जाता है अपने हिसाब से। और अब देखिए बर्फ़ कितनी तगड़ी पड़ रही है, ठंड काफ़ी हो चुकी है, पर मज़ा आ रहा है महादेव की दुनिया में, महादेव को देख के महादेव से प्यार करने में। चलते हैं आगे की तरफ, चलेंगे कमलकुंड का इरादा है, थोड़ी बर्फ़ मतलब बारिश कम हो तो कमलकुंड की तरफ निकलेंगे, क्योंकि पूरी रात पूरे दिन बारिश पड़ी है कल से। आगे की तरफ फिर चलेंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी हम हैं अपनी सपनों की दुनिया में, मनी महेश में, कैलाश पर्वत के ऊपर, और हमारे सामने बाबा महादेव जी, और ये रहा शिवकुंड। अभी हमने स्नान कर लिया है और अपना टेंट वेंट सारा सामान बांध लिया है, तो चलते हैं अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे, जो गौरीकुंड पड़ता है, वहाँ से रास्ता कट रहा है अपना कमलकुंड की तरफ का, कमलकुंड जो ऊपर जा रहा है। बताया जाता है वहाँ सभी देवी देवता स्नान करते थे, जो कि सीधे बिल्कुल मनी महेश जी के नीचे पड़ता है। चलते हैं अभी बाबा के पास दर्शन करने, कमलकुंड चलते हैं, कमलकुंड के दर्शन करते हैं। बताया जाता है वहाँ पर कोई भी मतलब मनुष्य हाथ नहीं लगा सकता पानी को, पता नहीं, देखते हैं अगर वहाँ पे हाथ लगा सकते होंगे, नहाएंगे मतलब कोशिश करेंगे वहाँ पे कुछ कर सकते हो। चलते हैं आगे की तरफ, हर हर महादेव। तो जी अभी हमें कमलकुंड के रास्ते पे, और अपना गौरीकुंड और ऊपर अपना शिवकुंड, और सीधे रहे अपने मनी महेश बाबा जी। हाँ बाबा जी कहाँ हैं, बाबा जी इसके पीछे हैं, अभी बादल आ रखे हैं, छुप रहे हैं बाबा जी। और ये जा रहा रास्ता कुछ ऐसा रास्ता, ये पूरा ऐसे घूम के हमें उस रास्ते से घूम के फिर इधर पीछे होकर ऊपर की तरफ जाना है। वहाँ चलते हैं बाबा जी के पास, वहाँ से बाबा जी बिल्कुल सीधे देखते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। चलते हैं बाबा जी से प्यार करने बाबा जी के पास, हर हर महादेव। पता है जी क्या, कमलकुंड वाले रास्ते पे ना थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है, अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो आप इस रास्ते पे बिल्कुल मत आओ बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम नॉर्मल इंसानों को हो रही है तो आपको तो बहुत ज़्यादा होनी है। अगर आ भी रहे हो तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पाउडर और डिहाइड्रेशन वाला सारा सामान लेकर, जिससे मतलब डिहाइड्रेशन ना हो, पानी में इलेक्ट्रॉन पाउडर मिला के और ऑक्सीजन कैन अपने साथ रखो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं अभी, अपने दो भाई वो आगे जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। हमारे तो जी ये रहे मेरे दोनों भाई। तो भाई हम कहाँ जा रहे हैं? कमलकुंड बाबा के पास, महादेव के पास, प्यार करने। जय शंकर। चलते हैं आपको भी लेकर बाबा से प्यार करने, हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कमलकुंड बाबा के चरणों में, मनी महेश जी के चरणों में, महादेव के चरणों में। ये देखिए यहाँ का नजारा, क्या प्यारा नजारा हो रहा है। ये देखिए ये कमलकुंड, और ये रहे अपने बाबा, बाबा के चरण, महादेव। तो यहीं पे बताया जाता है कि सारी देवी देवता यहाँ पे स्नान करने आते हैं, यही है वो पवित्र कुंड कमलकुंड। चलते हैं आगे की तरफ, हर हर महादेव। शिवाय सर्वेश्वराय सदा शिवाय, सर्वेश्वराय जी। अभी हमारी यात्रा पूरी संपन्न हुई, हम पहुंच चुके हैं कमलकुंड, और हो रहे हमारे बाबा, देख रहे हैं। ये यात्रा हमारी बहुत ही प्यारी गई। इस यात्रा की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पे पैसों वैसों का कोई सीन नहीं था, सारे प्यारे लोग थे, सारे महादेव के दीवाने, सारे भोले बाबा के दीवाने, महादेव की सेवा कर रहे थे सब। सब यहाँ पे मतलब लंगर और अपना मतलब सोने खाने पीने किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, हर जगह लंगर, दो पॉइंट आगे चलेंगे तुरंत लंगर मिल जाता है। और मैं आपको एक कमलकुंड की एक खासियत बताना चाहता हूँ, खास चीज़ है यहाँ पे, जब भी आप यहाँ पे हर हर महादेव बोलेंगे तो आवाज़ बिल्कुल आपके पास दोबारा लौट के आएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हर हर महादेव। और अभी हम महादेव के चरणों में हैं भाई, क्या कह रहे थे आप? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे आके प्लीज कीजिए। हाँ
अगर आपने इस वीडियो के जरिए महसूस नहीं किया तो बिल्कुल आओ यार, ये जगह बहुत ही पवित्र जगह है और बहुत ही प्यारी महादेव की जगह है, महादेव के भोले बाबा के दीवानों की जगह है। तो जरूर आओ, अगर मौका मिलता है जरूर आओ यार, बहुत ही सोहनी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसी जगह ना महादेव की हो सकती है, और कुछ महादेव ही है जो भी है। देख रहे हैं सुकून है भाई इस जगह पर यार, सुकून है। तो इस यात्रा को यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको भी यात्रा बहुत पसंद आई होगी, आपकी भी यात्रा बहुत अच्छी जाए, महादेव से यही कृपा है सभी ये यात्रा कर पाए और आप इस यात्रा पे जरूर आए, बहुत ही प्यारी यात्रा है। इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नए सफर पर, नई यात्रा पर चलेंगे जल्दी महादेव की। हर महादेव, महादेव की कृपा सब पे बनी रहे, महादेव सबका साथ दें, हर महादेव।